कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है, ये उस पद की गरिमा है। और जब सभा ग्रह ग्रह के नेता को आप बोलते हैं कि हमने आपको पार्टी से निकाल दिया, तो एक तरह से ये महाराष्ट्र की जनता जो है उसका भी आपको सोचना चाहिए, कहीं हम महाराष्ट्र की जनता। तो अपमान नहीं कर रहे, इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। और जिस लैंग्वेज में शिंदे साहब को ये खत मिला, उसका जवाब हम जरूर देंगे। मैंने तो ऐसे बोला है कि उद्धव साहब कुछ भी बोले उनके खिलाफ हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर ऐसा खत आता है तो इस खत का तो जवाब देना ही पड़ेगा। इसके लिए आगे चल के कुछ लीगल ये लेना है तो वो भी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक लीगल खत भेजा गया है उनको जो किसी भी कानून में नहीं बैठता है। तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज भी वो हमारे पक्ष के भी नेता है, 55 एमएलए जो जीत के आए थे, 55 विधायक जो जीत के आए थे शिवसेना के सिंबल पे, उन्होंने सबने मिलकर शिंदे साहब को अपना गठ नेता चुना था, तो वो पद तो कोई उनसे नहीं छीन सकता। लेकिन बार बार ये चीजें परंपरा है कि जब भी अध्यक्ष और सभापति ये पद जब खाली होते हैं तो तुरंत उसकी इलेक्शन होती है। आज साल साल तक वो पद नहीं भरे जाते, तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और एक साल के बाद उसका ये इलेक्शन हो रहा है। और जो नार्वेकर साहब जिनको बीजेपी ने अपना नॉमिनी करके अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया है, तो वो सबसे यंग स्पीकर ऑफ द हाउस रहेंगे। और ये खासियत है कि एक यंग लॉयर जो बहुत अच्छी तरह से विधानसभा के जो भी रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका इतनी अच्छी तरह से स्टडी कर लेता है कि अच्छे विधेयक का पुरस्कार दो दो तीन तीन साल तक कंटिन्यूअसली उनको मिलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने हैं, तो इतने यंग, देखिए अध्यक्ष ऑलवेज सीनियर मोस्ट रहता है, लेकिन ये महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एक यंग अध्यक्ष आ रहा है जिन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, जिन्होंने पेशेंस दिखाई है। तो मैं इसके लिए नार्वेकर जी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, ओरिजिनली उनका फैमिली का मूल स्थान भी वही है, वो सावंतवाड़ी से है, तो इसका भी मुझे गर्व है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी और मेरे खुद के गांव पे जा रहे हैं, इसका भी मुझे अभिमान है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और शिंदे साहब और फडणवीस साहब ने दोनों ने मिलकर एक अच्छा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस इलेक्शन के लिए हम फ्लोर पे जाएंगे, वो जीत जाएंगे, इसका भी हमें कॉन्फिडेंस है। मुझे पूरा करने दीजिए। दूसरी एक चीज महाराष्ट्र में ये भी हो रही है कि जो हमारे सहयोगी है, जिसको हम लोग दूसरे पक्ष में शामिल हो सकता है, शामिल कब नहीं हो सकता, जब आप विधायक हो, जब आप पार्लियामेंट्रियन हो, तो वहां पे 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए। लेकिन किसी को एफिडेविट करके आप बांध नहीं सकते, ये तो डेमोक्रेसी का अपमान भी है। लेकिन इसके साथ ही एक ट्रू शिवसैनिक होने के नाते मुझे ऐसे लगता है कि बाला साहब ने अपने प्रेम से सबको बांध के रखा था। ये जो धागा मेरे हाथ में, इसको हम लोग शिवबंधन बोलते हैं, और ये शिवबंधन है, वो एक प्यार का धागा है, वो प्यार का धागा आज भी मेरे हाथ में है, तो ये प्यार का धागा टूटा नहीं है, इसको बोलते हैं बंधन। ये बंधन प्यार का बंधन होता है, ये निष्ठा का बंधन होता है, और ये हिंदुत्व का भी बंधन होता है, और वो मेरे हाथ में है, वो कोई मेरे हाथ से नहीं निकाल सकता। और यही लोकशाही में बोला जाता है कि जिसको जो करना है वो उसको करने का मौका लोकशाही में मिलता है, इसीलिए उसको लोकशाही बोलते हैं, नहीं तो हुक्मशाही हो जाती कि आपको यही करना है। जैसे जो डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है, उसमें एक ही पार्टी रहती है, हर एक को एक ही पार्टी का सदस्य होना है, खाली उनको अपना नेता चुनने की आजादी है, तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है। ये तो भारत का सौभाग्य है कि बाबा साहेब अंबेडकर की लिखी हुई
आदरणीय भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर की लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है और उन्होंने हमें अधिकार दिया है कि हम किसी भी पक्ष में जा सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं, हम जीत के आ सकते हैं। लेकिन जब एंटी डिफेक्शन लॉ आता है तो टू थर्ड मेजोरिटी के बगैर कोई अपने पक्ष को त्याग नहीं सकता। लेकिन जो पार्टी का ऑर्डिनरी मेंबर है उस पर यह बंधन नहीं है। जो नगर पालिका में काउंसिलर चूज के आए हैं उनसे भी एफिडेविट लेने की जरूरत नहीं है, उनको एंटी डिफेक्शन लॉ उनको लगता है तो वो भी टू थर्ड मेजोरिटी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सामान्य कार्यकर्ताओं पर कार्यकर्ता जो रहता है उस पर यह बंधन बिल्कुल नहीं है। ये मैं खुलेआम से इसीलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं शिवसेना में क्यों आया, क्योंकि गरीब लोगों के लिए बनी हुई ये पार्टी है। आज भारत में ऐसी कोई भी पार्टी शायद नहीं होगी कि जिसका कार्यकर्ता वड़ा पाव जो सबसे सस्ता खाना होता है वो लेके वो घूमता है हर गांव में, अपने पार्टी के लिए कैंपेनिंग करता है और उस वड़ा पाव की कीमत रहती है 20 रुपया। और इस एफिडेविट में जो ये यूज कर रहे पेपर, वो स्टैम्प पेपर की वैल्यू है 100 रुपीज। देखिए ये बाला साहब की शिवसेना होती तो बाला साहब सबको ये शिव बंधन में बांध देते और वो बाला साहब की शिवसेना है इसीलिए हमने शिव बंधन बांधा है। ये मेरे हाथ में आज भी वो दागा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे जो तरीके है उससे कोई बांधा नहीं जाता। तो मेरी एक विनंती है कि ऐसा करके महाराष्ट्र को बहुत सारा इनकम मिल जाएगा, 100-100 रुपए के उनके स्टैम्प पेपर सेल हो जाएगी, लेकिन उसको लीगल अहमियत कुछ भी नहीं है। कल दूसरा एफिडेविट बन के आप दूसरे पार्टी में ये हो जाओगे तो एफिडेविट अगर बनाना भी है तो और 100 रुपया उसको खर्चा करना पड़ेगा, एक गरीब आदमी का और 100 रुपया, तो उसको 100 रुपए की अहमियत रहती है। बड़े बड़े लोगों को क्या 1000 रुपए की भी अहमियत नहीं रहती, 10,000 की अहमियत नहीं रहती, वो बड़े बड़े लोग रहते हैं। शिवसेना एक गरीब लोगों की पार्टी है तो उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे एक शिवसैनिक होने के नाते मुझे ये लगता है। अब कोई भी सवाल आपको हो आप जरूर पूछिए, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि अब हमारी लड़ाई जो थी वो किसी के खिलाफ नहीं थी, एक विकास की लड़ाई थी। कल हमने बोला है कि हमारे जो नेता है शिंदे साहब, उन्होंने एक सुसाइड फ्री महाराष्ट्र की घोषणा की है, तो ये घोषणा को लेके हमको जाना है किसान तक। देखिए ये जो सुसाइड करते हैं उसमें से सबसे ज्यादा मराठवाड़ा से रहते हैं और उसके बाद विदर्भ का जो रिमेनिंग पार्ट थोड़ा सा है उसमें रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के पूरे जो किसान हैं वो उनके साथ उनका नाता है, तो उनके लिए हमें काम करना है। जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र में कभी भी किसी किसान को कमी आती है तो उसके पास गोधन रहता है, उसके पास मिल्क का पैसा आता है, दूध का पैसा आता है, इसलिए वेस्टर्न महाराष्ट्र में कभी सुसाइड नहीं होती है। तो इससे हमको एक एग्जाम्पल लेना चाहिए कि हमें भी ये काम करना है, मराठवाड़ा में करना है, विदर्भ में करना है। मराठवाड़ा में बारिश कम गिरती है तो वहां पे हर कोने में हमको पानी लेके जाना है और ये हमारा मिशन है। हमारा मिशन किसी पे क्रिटिसाइज करना ये हमारा मिशन नहीं है। नहीं रखता, लेकिन आपका कुटुंब प्रमुख आपको हर महीना 2 महीने में कुछ भेजता है ताकि आपकी जो मुसीबत है वो मुसीबत दूर हो सके। कोरोना का जो टीका था, हर आदमी को टीका दिया गया, ऐसे करने वाला भारत पूरे विश्व में है। वो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो बाला साहब की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी कि हिंदुस्तान के धरती पे जो जो काम करता है वो मेरा हिंदू है, ऐसे उनका कहना था। और इसीलिए शाबिर शेख जैसे लेबर मिनिस्टर थे उनके मिनिस्ट्री में, तो यही लेके शिंदे साहब आगे जा रहे हैं। और शिंदे साहब इतना काम करने वाले लोग हैं, आज भी वो 4 बजे आ गए, उनको अगर हमारी मीटिंग लेनी थी वो सुबह को 4 बजे आ गए थे, 6-7 बजे वो तैयार थे। रात भर महाराष्ट्र में इधर उधर जाते हैं, कभी भी कोई महाराष्ट्र पे संकट आ जाए पहले पहुंचते हैं एकनाथ शिंदे, और खाली हाथ नहीं पहुंचते,
सब जो साधन सामग्री देनी है, जो पीड़ित है उनके लिए, वो सब साधन सामग्री लेके वहां पहुंचते हैं, यही उनकी खासियत है। हम आसाम में गए थे, वहां बाढ़ थी, उन्होंने 51 लाख रुपए का चेक दिया, वो जो वहां की सीएम रिलीफ फंड है उसमें ये चेक दिया। उसी वक्त मुंबई में एक दुर्घटना हुई, उन्होंने और कुडालकर साहब ने मिलके हर कोई व्यक्ति जो मृत हो गया था उनको 5 लाख की, और जो इंजर्ड हो गया था उनको 1 लाख की मदद की। इसको बोलते हैं नेता, इसको बोलते हैं सच्चा कार्यकर्ता। इलेक्शन कमीशन से कोई इंटीमेशन आया है अबाउट द शिवसेना का जो अभी तकरार है एकनाथ शिंदे जी के साथ और उद्धव ठाकरे जी के साथ? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो एक डिफरेंट बॉडी है, आपका जो इलेक्शन रहता है उस पर इलेक्शन कमीशन उसको कंट्रोल करता है, और इलेक्शन कमीशन में एक बहुत उच्च स्तरीय ये बॉडी है जो आपको चिन्ह प्रदान करती है। तो किसी ने आपके चिन्ह पे क्लेम नहीं किया है, और जब महाराष्ट्र में इलेक्शंस भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन चिन्ह पे जो आमदार जीत के आए हैं उसमें से बहुतांश आमदार मोर देन 2/3 आर नॉट विथ यू। सो पार्लियामेंट्री जो हमारी असेंबली की पार्टी है उसमें तो हम ही शिवसेना है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसे मुझे लगता है। और जो भी केसेस है सुप्रीम कोर्ट में, वो केसेस के होते समय उस पर कॉमेंट मैंने नहीं करना चाहिए, ऐसे भी मुझे लगता है, क्योंकि एक प्रथा है कि जब किसी भी चीज को आप कोर्ट में लेके जाए उसके इसके बारे में। हमारी जो वास्तवता है वो हम वो ऑगस्ट बॉडी है उसके सामने लाएंगे, और वो भी जो भी उसमें लीगल ये है रिलीफ मिल सकता है वो मिलने की हम लोग कोशिश करेंगे। वो हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो हमें हक दिया है, तो वो हक के लिए हम जरूर लड़ेंगे। सर, मुंबई जाने के बाद भाजपा के विधायकों के साथ बैठक में उनसे कुछ ट्यूनिंग होगी, किस प्रकार की बातचीत होगी बैठक में? देखिए, एक फैमिली की तरह हमें काम करना है। मैंने आज भी बोला कि कुछ सपने हैं शिंदे साहब के, कुछ सपने हैं फडणवीस साहब के, दोनों के सपने को सच करना है। हमें ऐसे नहीं है कि हमारे पास शिंदे साहब हमारे नेता है, फडणवीस साहब भी हमारे नेता है, क्योंकि हमारा हमारी जो युति है इसके ये दोनों नेता है। एक सीएम है, दूसरी डेप्यूटी सीएम है, एक ने मन का बड़प्पन दिखाया कि महाराष्ट्र के सीएम होने के बावजूद और उन्होंने अनाउंसमेंट करने के बावजूद उन्होंने डेप्यूटी सीएम के पद पे काम करने के लिए उन्होंने अपनी मान्यता दे दी, उन्होंने अपने जो लीडर्स है उनका मान रखा, उन्होंने हम जब होता देखिए शिंदे साहब उनके नीचे एक मिनिस्टर की तरह उन्होंने 5 साल काम किया है, फिर भी शिंदे साहब ने जब उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने उनका भी मान रखा। तो ये कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये महाराष्ट्र के हित की लड़ाई है, और हित की लड़ाई सेना हमारी सेना जो असेंबली में है शिवसेना वो और बीजेपी को इकट्ठा होकर लड़नी है। क्योंकि जब हम लोग महाराष्ट्र की जनता के सामने गए थे तो हमने भी बीजेपी का कैंपेनिंग किया था, बीजेपी के नेताओं ने हमारा कैंपेनिंग किया था, और महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना और बीजेपी दोनों को मिलकर इकट्ठा वोटिंग किया था। तो ये जो पब्लिक मैंडेट है उसका आदर रखना चाहिए, वो आदर हम लोग रख रहे हैं, और इसीलिए हमारी ये लड़ाई थी, और वो लड़ाई तो कामयाब होती हुई दिख रही है। आज हमारे सीएम डेप्यूटी सीएम बन गए हैं, और आगे चल के भी एक अच्छा राज्य बने, और वी हैव अ लिमिटेड टाइम, अभी 2.5 साल में महाराष्ट्र को फिर से एक प्रगत राज्य बनाना है, इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि कोरोना के दौरान जो भी हम लोग कहां पीछे रह गए वो काल को छोड़ के अभी आगे जो प्रगति का मार्ग है उस पर हमें मार्गक्रमण करना है, उसके लिए फैमिली बन के हमें काम करना है, ना कि हर समय हम बोले कि हम रेजोल्यूशन। एक एक पूछिए पहले आप पूछिए, मैडम पहले इनको पूछ लीजिए, बाद में महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी
स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, ऐसे में स्पीकर के चुनाव के समय में व्हिप किसका लागू होगा? क्योंकि ये तो बाद में तय होगा, स्पीकर तय करेंगे कि कौन सा वोट असली शिवसेना है, और अगर व्हिप अगर आप स्पीकर के समय में किस